और धनबाद में बंद कमरे में दो पूर्व सीएम की मुलाकात हुई। महागठबंधन की कवायद के बीच हेमंत सोरेन से मिलने बाबूलाल मरांडी पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात को हेमंत सोरेन ने महज शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन एक बात हेमंत सोरेन ने साफ कर दी है कि विधानसभा चुनाव में जेएमएम हर हाल में नेतृत्व करेगा। उनकी बदलाव यात्रा के बाद महागठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। धनबाद के सर्किट हाउस में जेवीएम प्रमुख से मिलने नेता प्रतिपक्ष सह जेवीएम नेता हेमंत सोरेन उनके कमरे में पहुंचे। बंद कमरे में दोनों के बीच अकेले में कुछ गुप्तगू हुई। वहीं इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन भेंट करने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुलाकात में कुछ न कुछ बात तो जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ तुरंत सामने आ जाए उचित नहीं। आप लोग ने देखा कि हम लोग कितने देर बैठे, इतने देर में इतनी बातें तो संभव नहीं है, लेकिन एक अच्छा मुलाकात हुआ। नहीं, कुछ विषय पर ये बात सही है कि चर्चा हुई है और क्या कीजिएगा, सरकारी आवास में बैठे तो आप लोग परेशान ना हो, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। हालांकि मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने एक बार फिर दावा किया है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसी तरह यह तय है कि विधानसभा चुनाव जेएमएम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व करेगा तो करेगा, और ये इन सब विषयों को विराम लगाने के लिए मुझे बदलाव यात्रा को पूर्ण करने दीजिए, उसके बाद हम सभी जरूरत जिस तरीके से देखा जाएगा उस हम लोग बैठ के मिल बैठ करके उन सब चीजों का पटाक्षेप कर लें। बहरहाल इस मुलाकात के बाद विधानसभा चुनाव में गठबंधन क्या स्वरूप लेगा यह तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बाबूलाल और हेमंत की मुलाकात कई संकेत जरूर दे रहे हैं। धनबाद से न्यूज 11 के लिए अरुण की रिपोर्ट।